हेलो एवरीवन, एक नया दिन, एक नया एपिसोड। प्लीज वेलकम अ गेस्ट कुमार राकेश जी, एडिटोरियल चेयरमैन ग्लोब गवर्नेंस न्यूज ग्रुप, न्यू दिल्ली, यूके, यूएसए, नॉर्वे एंड कनाडा, फाउंडर इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन एंड लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट। वेलकम ऑन अ शो सर। नमस्ते राकेश जी, बहुत बहुत वेलकम आपका ऑन आवर शो द सक्सेस स्टोरीज। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तहे दिल से शुक्रिया। राकेश जी, आपकी कहानी, आपके एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मैं भी रेडी हूँ आज, और मेरी ऑडियंस भी। सो अगर आप रेडी हैं तो हम हमारी टॉक शो शुरू करते हैं। जी शुरू करें। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए कि व्हाई जर्नलिज्म एंड मीडिया फॉर यू सर? देखिए, एक किसी के जीवन में जो प्रोफेशन होता है मानसी, वो उनके जीवन का अंग होता है। और आपने जो सवाल किया व्हाई, तो व्हाई अपने आप में WHY में पूरे वर्ल्ड समाहित है ना। W मतलब वर्ल्ड, H मतलब is him her whatever, why मतलब you, मतलब WHY को यदि हम define करें properly तो उसके लिए हम एक दो घंटे इसमें बात कर सकते हैं। why अंग्रेजी का why है, लेकिन हिंदी में क्यों है, तो उस दोनों को यदि हम define करें तो लंबी बात होगी। जहां तक मेरे लिए पत्रकारिता की बात है और जर्नलिज्म की बात है, हम मीडिया शब्द ये पिछले दशक की बात है, लेकिन हम जर्नलिज्म में आए थे, मीडिया में नहीं, क्योंकि मीडिया डाइवर्सिफाइड हो चुका है, विशाल हो गया है। पिछले 10 से 15 वर्षों में इसकी जो आयाम है काफी बदले हैं। मैं आपको बताऊं कि इस पेशे में आने के पहले मैंने वकालत की, मैं लेक्चरर रहा, हमने सरकारी नौकरी के भी मेरे पास अवसर थे, उसके बाद व्यापार बिजनेस के भी अवसर थे। लेकिन जिसे मन कहते हैं कि जो एक प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध आपको कहाँ ले जाता है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। एक फिक्स है जो नियत और नियति एक तय है कि आपको इस सृष्टि में आए हैं, आपकी भूमिका तय कर दी गई है। इसको मैं मानता हूँ सकारात्मक भाव से और इस भाव से कि जो मैंने जीवन को देखा है, अनुभव किया है। इसी परिपेक्ष में आपने पूछा कि जर्नलिज्म क्यों, तो लगा कि जो एक आत्मसंतुष्टि के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने की ललक, या हम समाज का कुछ भला कर पाए, अपना भला तो सभी लोग करते हैं। वेद में, पुराण में जितनी जगह अच्छी बातें जो भी हमने पढ़ी है, उसमें कहते हैं कि अपनी जिंदगी तो कोई भी जी लेता है, यदि आप दूसरे के लिए भी जीते हैं तो वही आपकी जिंदगी है। तो उन तमाम रास्तों को हम किनारे करते हुए यहाँ आकर के हम जैसे कहते हैं कि किसी ने कहा था भटक गए, मैं कहता हूँ अटक गया, और अटक गया तो यहीं का होकर रह गया। कई इसमें कई ऐसी बातें हैं भी और नहीं भी है, वो अलग विस्तार से चर्चा का विषय है, लेकिन मुझे इसमें आनंद की अनुभूति हुई, स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, और देश के लिए भी कुछ करने की जो एक ललक थी, जो इच्छा थी, आज भी है, जो जिज्ञासा है जो अंदर में, वो भी हमारे अंदर में आज भी उसकी ज्योति जल रही है, तो हम उसको प्रज्वलमान रखें और उसको जलाए रखें। स्व विकास तो ठीक है, चूंकि कहते हैं आप भला तो जग भला, आप मजबूत होंगे, दूसरे की सेवा करेंगे, तो देश के लिए भी और समाज के लिए भी। मैं पत्रकारिता में जो आया उसके पीछे एक खोज, कहते हैं ना ईश्वर की खोज करना, और स्वयं की खोज करना, और भगवान की खोज करना, स्वयं की खोज करते करते उसमें जो मन में जो धारणाएं बनी थी, अवधारणाएं कि कुछ अलग करने की इच्छा, इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में आया। इसको पहले प्रोफेशन नहीं बोलते थे, मिशन बोलते थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यही एक जरिया है जिसके कारण हम लोगों तक पहुंच सकते थे। बाद में जो मीडिया मीडियम की बात हम आगे करेंगे इसमें, तो ये इसी कारण से, मतलब कहीं मन नहीं जमा, मैंने वकालत छोड़ी, एक फुल पेज का आर्टिकल लिखा नवहारे टाइम्स में, 86 87 की बात है, वकालत और दलाली के बीच दीवार टूटने का दर्द, एक लाइन में आप समझ सकते हैं। उसके बाद स्वाभाविक है कि कौन मुझे रहने देगा,
कि जिस पेशा में है उसी की खिलाफत कर रहे हैं। लेक्चरशिप की बात थी, वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली। सरकारी नौकरी के अवसर थे, वहाँ भी देखा कुछ नहीं कर सकते। व्यापार की बात थी, कई तरह के बिजनेस को मैंने लगा कि वहाँ भी हम, मेरा शायद प्रारब्ध की बात है, मैं यदि सीमित शब्दों में हम कहें उसको समेटने की कोशिश करें तो लगता है कि वो प्रारब्ध था जो मुझे इधर खींच लाया। और यहाँ मैं पिछले 30 साल ज़्यादा हो गए यदि काउंट करें तो वो आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ और उसको महसूस कर रहा हूँ। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की अभी भी आकांक्षा है, तमन्ना है। बहुत अच्छी सोच सर आपकी। मैं आपसे इसी बारे में आगे जानना चाहूंगी कि जब आपने जर्नलिज्म लिया तो आप किस तरह से आपकी उसमें स्ट्रगल रही, आप दिल्ली आए और दिल्ली से आपने अपना सफर शुरू करा, तो ऐसी कोई मेमोरेबल इवेंट्स या ऐसे कोई कुछ कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहेगा? देखिए, मेरी यात्रा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और आई एम प्राउड ऑफ आई एम बिहारी स्टिल, आगे भी रहेगा। बिहार का मुंगेर जिला भारत के इतिहास में पाल वंश के समय 12वीं-13वीं शताब्दी में भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो एक पुरातन काल की राजधानी से नवा काल के राजधानी में मैं आया, भाया बिहार की राजधानी पटना से। बीच में भागलपुर की यात्रा रही, तो मुंगेर, पटना और दिल्ली, ये तीन शहरों की यात्रा। तो मुंगेर जो है मुद्गलपुरम ऐतिहासिक शहर है, आज भी वहाँ कर्म चौरा है, वहाँ बिहार योग विद्यालय बन गया है, वहाँ कभी अंग्रेजों ने, किला जो है देखने लायक है अभी भी, मतलब विश्व का अपने आप में अनूठा स्थल। जब मैंने बताया कि 12वीं-13वीं शताब्दी में ऐतिहासिक तथ्य है, वो भारत की राजधानी रहा, राजा कर्ण की नगरी रही वहाँ, उनका मतलब यदि हम महाभारत काल की बात करें, अंग्रेजों काल में मीर कासिम नामक शासक ने राज किया, अंग्रेजों ने उनको भगाया, तो ऐतिहासिक शहर है माने अपने आप में। तो उस शहर से मैं सीखने और पढ़ाई अध्ययन मनन करने के बाद पटना आया, पटना के बाद फिर दिल्ली आया। तो हमारी यात्रा वहीं शुरू हो गई थी, मुंगेर से ही पत्रकारिता की। सर आपकी उम्र क्या होगी तब, किस उम्र में आपने अपना सफर शुरू कर दिया था जर्नलिज्म का? अब उम्र की बात है तो ओपन फैक्ट्स है, मैं 50+ हूँ, तो 20 साल की अवस्था में, कहा जाए 21 साल की अवस्था में मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई पूरी की, 86 तक मैंने 86-87 में मैंने कॉलेज, जैसे मैंने की MSc बीच में छोड़ा, MA किया, BSc ऑनर्स, MA LLB, LLM नहीं कर पाया। तो ये आप इसको अब जोड़ लीजिए उस हिसाब से, लेखन की जो प्रवृत्ति है, लेखन की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग हमारे साथी हैं जो 10 वर्ष की उम्र से ही रेडियो पे काम कर रहे हैं, कई लोग 12 वर्ष की उम्र से भी करते हैं, एक ललक है, क्योंकि उस समय ये पेशा नहीं था, एक ये एक क्रिएटिविटी पैशन था, पैशन था, मिशन था। प्रोफेशन तो अभी 2000 के बाद लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया। हमने कॉलम लिखा था कि आप पत्रकार हैं तो और क्या करते हैं, मैंने लिखा था, अभी भी परंपरा चल पड़ी है, लेखक हैं तो क्या करते हैं आप, मतलब क्या, मतलब ये तो चलो ठीक है, करते क्या हो? हाँ, इसके अलावा क्या? लेकिन आज की तारीख में मानसी, ये कोई नहीं पूछता कि यदि आप जर्नलिस्ट हो या मीडिया में हो या मीडिया स्पेशलिस्ट हो तो मतलब क्या, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बहुत अवेयरनेस हो गई है जी। मैंने विधिवत कोई पत्रकारिता की शिक्षा नहीं ली, लेकिन आज तक मैंने हजारों विद्यार्थियों को पत्रकारिता के गुर सिखाए, पढ़ा रहा हूँ, देश विदेश के विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, ज्ञान बांटता हूँ, शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं अपने को इतना बड़ा भी विद्वान नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबको पढ़ने और पढ़ाने की बात है और मैं उसी में भरोसा रखता हूँ, जैसे कि ज्ञान का एक दूसरे से बंटवारा करते हैं। हो सकता है जो बच्चे आजकल के हमसे ज्यादा कहीं कुछ पढ़ लिए हों, मैं ना पढ़ूं तो मैं उनसे ले लेता हूं, मैंने जो पढ़ा और मेरा जो अनुभव है वो हम शेयर कर लेते हैं। तो ये जो है, जो आपने कहा ना, तो जो सफर शुरू हुआ, उस सफर की कई कहानियां हैं, है ना, मतलब कई किस्से हैं, कुछ इंस्पायर, कुछ खुद को इंस्पायर करते हैं, कुछ दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो उन कहानी में एक छोटी सी कहानी है कि पटना से दिल्ली आ रहा था तो हमारे एक पुराने हिंदुस्तान के संपादक थे सुनील दुबे जी, तो मेरे पास एक बेडिंग थी, एक किताबों का की बोरी थी और छोटा सा एक, उस पर लैपटॉप वाली स्थिति तो थी नहीं,
कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज थी जी। कंप्यूटर तो मैं 98 के बाद देखा हूँ, 2000 के बाद, तो काफी। हाँ, तो जब यहाँ आया तो बोले कि अरे ये तो ऐसा राकेश, तुम संजोग से मिल गए ट्रेन में, तो कहाँ जा रहे हो? मुझे दिल्ली जा रहे हैं। पटना से मन भर गया, क्या मतलब? तो तुम वैसे जा रहे हो जो फिल्मों शंकर्स करने जाते हैं लोग मुंबई? हमको सर यही मान लीजिए। तो सुनील दुबे को आज भी नहीं भूल पाता हूँ। अब हिंदुस्तान के तो सीनियर जर्नलिस्ट, लखनऊ संपादक रहे, पटना में संपादक रहे, कई सालों से हमारी बातचीत नहीं है। अब कई मतलब मैं इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूँ। उसके अलावा फिर एक विकास कुमार झा हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े भाई हैं। उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने कहा कि हमारे जानने वाले एसपी सिंह हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जरूर मिलना। उनकी चिट्ठी आज भी मेरे पास है, चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, उनका कैसा सपोर्ट था, उनका क्या व्यू था जब आपने बोला मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, और बीइंग फ्रॉम बिहार, हाउ डिड दे टेक दिस कि योर ड्रीम टू बिकम एंड बी अ जर्नलिस्ट? जी, आपने फैमिली सपोर्ट की बात कही, और मैं आपको बताऊं कि जो फैमिली सपोर्ट की बात है, तो फैमिली को जब मैं दिल्ली आया 89 में, तो 2-3 वर्षों तक फैमिली को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको मालूम था। अच्छा, लेकिन मैं कहाँ कहाँ रहा और क्या क्या किया, कितना संघर्ष किया, वो अपने आप में उपन्यास है, इसलिए उसको शब्दों में हम नहीं पिरो सकते। ठीक है, तो 89, 90, 91, 92 के लास्ट में आई मैरिड इन 1987। ठीक है, तो जैसे पढ़ाई खत्म हुई तो बिहार में परंपरा है कि यदि आप 22-23 साल के हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बेकार हैं। एक पुरानी परंपरा थी 30s के बाद यूपी में, और जहां लोग शादियां करते थे, तो हम लोग लगता था कि 20-25 लड़के लड़कियों की, मैक्सिमम 24 में ये अब लड़का की शादी हो ही नहीं सकती, मतलब वो कुछ भी नहीं उसके पास, वो महादरिद्र है या भूखा है, नहीं उसको कैटेगराइज सामाजिक रूप से कर देते थे, अरे 22 साल का हो गया कि शादी नहीं हुई अभी तक, वो लड़की देख के शादी क्यों नहीं की। तो खैर मेरी शादी हो गई थी, और जब मैं दिल्ली आया और जिन जिन अवस्थाओं में रहा, यानी कहा जाए उसे लंबी कहानी है कि हम 100 रुपये में 5 दिन रह सकते क्या, या 50 रुपये में 7 दिन रह सकते क्या, हमने हमारी वो स्थिति थी नहीं, लेकिन हमने उसे कहीं फिल्मों की कहानी की तरह कहो या अपने जीवन की कहानी, मैंने जीने की कोशिश की कि आप संघर्ष को जानना, संघर्ष को पढ़ना, संघर्ष को समझना और संघर्ष को जीना में अपने आप में एक अजीब तरह की अनुभूति है। मैं हर पक्ष के उस अनुभूतियों को मैं अनुभव करने की कोशिश की, एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, कि यदि मैं लिखूं किसी के दर्द को, तो यदि कहते हैं ना किसी के दर्द को लिखने की बात हो, तो आप दर्द को पहले महसूस तो कीजिए, तभी एक अच्छे राइटर हो सकते हैं या संवेदनशील व्यक्ति हो सकते हैं। तो घर वालों को, मेरी माँ को पता था, मेरी पत्नी को पता था, एड्रेस सिर्फ मेरी पत्नी को था, फोन उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, तो मोबाइल्स तो जी लैंडलाइन, तो मैं कहाँ पे हूँ, या तो मैं फोन करता था, एसटीडी के लिए लंबी लाइन होती थी, जो बूथ होते थे, बूथ बाद में आना शुरू हुए, या किसी के यहाँ मैं सांसद के यहाँ रहा, किसी दोस्त के यहाँ रहा, हर जगह, मतलब कि भाई इस खर्चे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से अपने को मैंने बैलेंस किया। और वो कहानी 91 के बाद लोगों को लगा कि 2-2.5 साल से क्या कर रहा है, जब नरसिंह राव जी के साथ हमने मुलाकात हुई मेरी, मैं नई दुनिया का जर्नलिस्ट था, पहले नवभारत टाइम्स में काम किया, जसवंता में काम किया, फिर नई दुनिया मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा अखबार है, तो उनके संपादक ने हमसे मैंने काफी काम किया पॉलिटिकली, वहाँ काम, वहीं से हमने को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की शुरुआत हुई नई दुनिया से, अप्रैल 1991, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद मैंने राजीव गांधी, 21 मई 1991 को वो उनकी हत्या हुई थी, तो उनकी रिपोर्टिंग अपने आप में अलग की रिपोर्टिंग थी। और उसके बाद नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने, तो 100 दिन के उनके पूरे कार्य
अवधि को विश्लेषण के रूप में हमने एक बुक फॉर्मेट तैयार किया था। हमारे मदन मोहन जी संपादक थे, मदन मोहन जोशी, हालांकि उससे मेरी पटरी नहीं बैठी, लेकिन कुछ चीजें उनकी बड़ी इनोवेटिव थी, उनके नैतिक रूप से, सिद्धांतिक रूप से, व्यक्तिगत कोई ऐसा झगड़ा नहीं था तो, लेकिन हमने उस चीज को काफी अपने ढंग से ये किया, वो अलग कहानी है। तो जब वो फोटो छप मेरे पास आया अर्जुन सिंह, वो फोटो मैं आपको दूंगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं, हमारे संपादक प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी और अर्जुन सिंह, चार लोग, अर्जुन सिंह बड़े खास हुआ करते थे, तो उन्हीं के माध्यम से मिले भी थे जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन अच्छा था प्रोग्राम। वो जो फोटो लोगों में गया, मैंने जब लोगों को बताया या घर फ्रेम करके लगा के, वास्तव में मैं 3 साल से दिल्ली में 2.5-3 साल से करके आ रहा था, कुछ किया। हाँ। उनको एक उपलब्धि नजर आई, हालांकि उसके पहले भी, मतलब फिर मैंने टीवी पे काम किया, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसके कारण भी लोगों को दिखना शुरू हो गया था। वो 91 के शुरुआत में वहाँ, उस समय एक चर्चा में प्रोग्राम आता था, आज भी मेरा ही नाम लिया हुआ है, डॉक्टर गोविंद गुंडे थी ये, उन्होंने हमसे काफी काम करवाया। हमारे एक बड़े भाई हैं वीरेंद्र मिश्री, उन्होंने काफी कुछ सिखाया भी, काफी कई 22 साल तक कंसल्टिंग एडिटर रहे दूरदर्शन के, डीडी न्यूज के, अभी उसमें दूरदर्शन था, अभी डीडी न्यूज और नेशनल और चैनल्स। हमने हमारी पहली फिल्म टेलीकास्ट हुई थी, आयुर्वेद अमृता नाम, करीब 40 मिनट की फिल्म थी, तो वो हमारे लिए, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, अभी उस समय से सोचिए कि 98 के बाद 2000 के बाद ये चीजें बूम हुआ, ओपन स्काई पॉलिसी, लेकिन हमने उस वक्त किया। तो घर वालों को वो जब चीजें धीरे धीरे पता लगनी शुरू हुई, पता लगने लगी जी, कि कुछ कर रहा है, तो मेरी माँ फिर भी कहती थी बहुत हो गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अब घर आ जाओ। हाँ, बहुत कुछ है खाने के लिए, कहीं कोई चिंता नहीं है, घर आ जाओ। तो हमने कहा माता जी मैं घर वापस जाने के लिए तो आया नहीं, मैं घर क्यों आ जाऊं। हाँ, बाद में उनको जब मैंने बुलाया 2 साल के बाद आई जब मिलने के लिए, और हमारे कई, हमारे साथ में कुछ IAS में तब थे, IPS थे, कई नेताओं के फोन आते थे, या वो उनको लगा कुछ कुछ किया है इसने। अब हमारे घर में, मेरे खानदान में पत्रकार कोई नहीं था, सरकारी नौकर थे, बड़े पोस्ट पे से लेके नीचे पोस्ट तक, राजनीति में रहे लोग रहे, समाजवादी में रहे, संघ के भी लोग रहे, कांग्रेस भी कोई नहीं रहा, लेफ्टिस्ट भी कोई नहीं रहा, जी दो चीजें नहीं रही। तो पॉलिटिकली सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, बट नेवर इन जर्नलिज्म या नेवर इन जर्नलिस्ट। तो मैंने कहा ना, शिव प्रसाद बाबू की जो चर्चा कर रहा था, शिव प्रसाद बाबू ने मुझे इंस्टिगेट किया, इंस्पायर किया, जस्ट यू शुड बी द जर्नलिस्ट, यू शुड बी द राइटर। उन्होंने कई जगह मुझे रिकमेंड किया, धर्मयुग के लिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए, उसमें बड़ी पत्रकारें हुआ करती थी। तो दिल्ली आकर के हमने हर पल को, उसके बाद दिल्ली में हमारे माननीय एसपी सिंह मिले, जो मैंने पटना की बात कही, विकास कुमार झा जी ने, मणिकांत ठाकुर, अविनाश चंद्रा, सब बड़े जर्नलिस्ट थे उस वक्त। उन्होंने दीनानाथ मिश्र जी, जिन्होंने मेरी कविताएं छापी, एक व्यंग कविता थी कि एक ऐसे स्कूल की स्थापना होगी जहाँ पढ़ाई नहीं लड़ाई होगी, लंबी कविता है, कभी मैं कहूंगा, जहाँ की प्रिंसिपल छठे हुए बदमाश होंगे, उन पर 302 का मुकदमा होगा, वही प्रिंसिपल होंगे, इस तरह की लंबी कविता है। तो उसके बाद उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत बड़े पत्रकार थे, बाद में राज्यसभा सांसद विवेक दीनानाथ जी, उसके बाद फिर दिल्ली में सुरेंद्र प्रताप सिंह, ग्रेट SP सिंह, जो आज तक इन्होंने शुरू किया। राकेश जी, ये जो आपकी जर्नी रही एज अ जर्नलिस्ट, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि एक सच्चे जर्नलिस्ट की क्या पहचान है? What are the qualities to look for a कि ये अच्छा journalist है या बन सकता है? What are those qualities needed in a person? मानसी, आपका बहुत ही अहम सवाल है, और आज के परिप्रेक्ष्य में मौजूद सवाल, जिसे कहते हैं हिंदी में शब्द है contemporary concurrent your आपका जो आपने सवाल किया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सवाल उसी तरह का है जैसे मेरे गुरुजी स्वामी सत्यानंद परमहंस, जो जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की, उनसे मैंने सवाल किया था कि अच्छे गुरु की क्या पहचान है, वो कहानी अलग है। तो उन्होंने कहा कि जो शिष्य नहीं ढूंढता वो अच्छा गुरु है, तो वो पत्रकार अच्छा है जिसका कोई स्व अपना एजेंडा नहीं है, नहीं है, वो है अच्छा पत्रकार है।
जिनका एजेंडा सिर्फ खबर है, स्व से निर्लिप्त होकर के अलग होके जो काम करे वही एक सही जर्नलिस्ट है, माना जाना चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कुछ जर्नलिस्ट हैं आज की तारीख में जो उस परिभाषा में आते हैं। हमारे एसपी सिंह थे, हमारे माननीय राम बहादुर राय जी हैं, जो संत हैं अच्युतानंद मिश्र जी हैं, उसके बाद राजेंद्र माथुर भी थे, प्रभास जोशी जी थे, ये सब ऐसे जर्नलिस्ट रहे जिनसे हरिशंकर व्यास जी हैं, जिनसे क्या आप प्रेरणा ले सकते हैं। आनंद सहाय हैं, कुछ ऐसे नाम मैं ले रहा हूँ जो कि आज भी हैं, जिनको हम उस परिभाषा में राधेश्याम शर्मा जी के, मतलब ऐसे लोग हैं जो आज भी उनको शुद्ध, जिसे कहते हैं हम इस अपनी भाषा में शुद्ध पत्रकार, मतलब हर अपने काम के अलावा, अपने खबरों के अलावा इधर उधर झांक, उनका और कोई इंटेंशन नहीं है। जी नहीं, इंटेंशन खबर है, मानसी एक खबर है, तो मानसी उनकी रिश्तेदार भी है, तो परवाह नहीं किया उन्होंने, परवाह नहीं। जी मतलब यही कुछ चीजें उन सबसे थोड़े थोड़े हमने सीखने की कोशिश की। हाँ, दूसरी बात है कि इस पेशे में आपके दुश्मन ज्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात है कि यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने करीब देश के सभी बड़े अखबारों ग्रुप में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, लॉन्च फोकस टीवी, न्यूज एक्सप्रेस लॉन्च किया, लॉन्चिंग टीम में था न्यूज एक्सप्रेस, मतलब कई चैनल्स हैं, लंबे कितना नाम बताऊं, 11 चैनल मैं कहीं कहीं से पार्ट रहा शुरू करने को लेकर के, ऑनलाइन भी, रेडियो स्टेशन में भी, हर एक फ्रंट पे काम किया। लेकिन यहाँ क्या है कि यदि आप बोलें कि यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर इसलिए नहीं है कि आप यदि आप रिपोर्टर हैं, आप टैलेंट है आप में, और आते ही आपने एक न्यूज ब्रेक कर दी, व्हाटएवर न्यूज, आप स्टार हैं। जस्ट लाइक हमारा दीपक चौरसिया, हमारे जूनियर था, छोटा भाई है आज भी, एक चैनल को हेड कर रहा है, तो उसमें वो इंस्टिंक्ट था न्यूज को लेकर, वो पागल रहता था। आज उसके लिए लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह चिंता नहीं है। सुमित अवस्थी काम कर रहे हैं अभी एबीपी न्यूज में है, उस व्यक्ति में, उस छोटे भाई की तरह उसमें वो इंस्टिंक्ट था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको आज के जो पिछले 10-15 वर्षों में देश में बहुत गिरावट आई। हाँ, बहुत बदलाव सा जो हम देख रहे हैं, उसके बारे में सर आपका क्या विचार है? हाँ, जो गिरावट आई है, जो एक कंसर्न है आज की तारीख में, वो सबके लिए चिंता की बात है। मैं पिछले 4-5 वर्षों से कहीं भी फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, मतलब कहा जाए कि 28-29 साल तक काम करने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी मोस्टली जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, सेठों की दुकान है, आप उनके एजेंडा को फुलफिल करते हैं तो आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, और यदि नहीं करते हैं तो आपके लिए कष्ट ही कष्ट है। यदि उसको दूसरी भाषा में कहें कि जनमुखी पत्रकारिता का अभाव हो गया है, हमारे देश में नहीं, ये ग्लोबल फेनोमेना हो गया है। कुछ कंट्री को छोड़ दें, कुछ अखबारों को छोड़ दें, कुछ चैनल को छोड़ दें, तो आप पाएंगे कि एजेंडा आधारित जर्नलिज्म हो गई है। हम खास करके हमारे भारत के ज्यादातर चैनल, डीडी न्यूज तो सरकारी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा सरकार का भूप भी नहीं बन पा रहा, वहां ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, है ना। जो नौकरशाह जो शब्द है वो अपने अनुसार चलाते हैं, उनके लिए देश और धर्म और ये नहीं है, कुछ छोड़ दे, अच्छे लोग सब जगह होते हैं, सबको हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर वैसे नहीं है, वो अपनी एजेंडा चलाते हैं, और जो नौकरशाह रह करके देश की एजेंडा चलाता है वो बहुत थोड़े में है। वहां भी अच्छे लोग, IAS IPS IRS वहां भी है, वो क्रांतिकारी कहलाते हैं, या उनको परेशान किया जाता है, वो VRS लेके दूसरा काम करते हैं। अच्छाइयां, मेरा मानना है अच्छाइयां सब जगह है, आज भी अच्छे पत्रकार हैं, भ्रष्ट दिखते ज्यादा हैं, है ना, उनकी इसके कारण संख्या ज्यादा है कि शराबियों के जैसे जमघट लग जाती है, लेकिन जो टीटोटलर हैं उनकी दोस्ती कम हो पाती है, जो एक समाज की परिभाषा है, जो यदि उसको देखें कि जो पीने वाले हैं तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं,
मैं उसको बुराई और अच्छाई की परिभाषा भी नहीं, एक नेचर की बात कर रहा हूँ। सर इसी बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कोई स्टोरी या कवरेज जो बहुत मतलब आपके करियर में जो बहुत फेमस हुई हो और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया हो, ऐसा कुछ कोई आप अगर बताएं तो आपने कुछ। देखिए तीन स्तर पे कई कई कहानियां हैं, लंबी सूची है कहानियों की, लेकिन मैं आपको मुंगेर स्टाइल की बात करूंगा। वहां डी पी यादव सांसद थे, केंद्रीय मंत्री रहे वो, उनके खिलाफ मैंने वहां पे एक लेख लिखा था, उन्होंने मेरे पे केस भी किया, केस चला भी मुकदमा। तो अच्छा, हमारे पत्रकारिता गुरु थे, उन्होंने कहा कि जिस पेशे में तुम जा रहे हो, सुशील सिंह प्रसाद बाबू थे, फिर राजेंद्र माथुर थे, राम बहादुर राय जी आज भी हैं, कि मान अपमान दोनों को तो अब ताक पर रख दीजिए। किस समय आपको मान मिलेगा, किस समय अपमान मिलेगा, किस समय आपको गाली सुनने को मिलेगी और किस समय कोई आपको माला पहना देगा। बहुत प्यार हाँ मिलेगा जी। इसलिए उस उन अपेक्षाओं से रहित होकर जब आप काम करेंगे तो आप इस पेशे को एंजॉय कर पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। तो डीपी यादव जो थे उन पे मैंने एक लेख लिख दिया था। हमारे पास कुछ फैक्ट्स थे, कुछ पर्चियां थी, कुछ लेटर्स थे, कुछ आरोप थे कि इन्होंने 2 लाख रुपए लिए। आज ब्रिज बन गया, बहुत बड़ा ब्रिज बन गया है मुंगेर और गंगा ब्रिज, जिसके कारण दशक में काफी रेवेन्यू का परिवर्तन हुआ, जिसके लिए लोगों ने 30 साल संघर्ष किया। वो बहुत बड़ा मुद्दा था पुल बनाना, और वहां पे जहाज माफिया अधिकारी, स्टीमर माफिया जो होते हैं ना गंगा में, तो वो इस पार से उस पार ले जाने के लिए उनका बोट होता था, पानी की धाराएं बदलती थी। तो हमने उसमें लिखा था, लंबी कहानी है ये, उन्होंने 2 लाख रुपए लिए उस वक्त, 80s की बता रहा हूँ, 88 की कहानी है, 87-88, 2 लाख रुपए लिए यहाँ के सांसद ने और किए गए वादे भूल गए, और उन्होंने उस भगवती सिंह था, भगुआ बोलते थे, उन इस तरह से आरोप लगे, पूरा हंगामा हुआ कि कौन सा पागल जर्नलिस्ट आ गया है और इस तरह से लिख दिया बेलाग, जबकि वो सब जर्नलिस्टों को अलग ढंग से फीड किया जाता था, मैं उनके फीडिंग वाले स्टाइल में नहीं आ पाया, फीडिंग इन द सो मेनी टर्म्स, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। सर आपके फेवरेट टॉपिक्स क्या थे कवर करने के लिए, लाइक कुछ आपकी स्पेशलिटी होगी कि आप इन्हीं तरह के? मैं आपका एक मिनट लूंगा, जैसे कि मुंगेर की बात है उसी तरह से पटना में उस तरह की रिपोर्टिंग मैंने की, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और सोशल रिपोर्टिंग भी, और फिर दिल्ली में मैं इस तरह की कई रिपोर्टिंग की। उस रिपोर्टिंग में एक एनरॉन की रिपोर्टिंग थी जिसमें कि पूरा हंगामा हुआ, रेवे का मार्क, उस पर जो सरकार फिल्म बनी है वो स्टोरी को मैंने ब्रेक किया था, बाद में उसका टाइम्स ने फॉलो किया, 1994-95 की बात है। उसके अलावा फिर स्टेट की कई खबरें थी, मध्य प्रदेश में नई दुनिया में काम किया मैंने, वहाँ सुंदरलाल पटवा से बाद में हमारी बहुत ही मतलब एक पिता पुत्र वाला संबंध हो गया, लेकिन मैंने उनसे जो एक तरह से कहा जाए कि जो रिश्ते बने उनके खिलाफ मैंने खबर लिखी, और ऐसी खबर लिखी जो कि कभी कोई नहीं भूल पाता। उसके अलावा भी ऐसी कई खबरें हैं। तो आपने खबरों की बात कही, तो हर स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने कुछ ऐसी खबरें की, तो एक संतोष सा है मन में लगता है कि सुकून सा है, कुछ अच्छा किया, लेकिन अभी और अच्छा करने की तमन्ना है। करता हूं। ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई एपिसोड, ऐसा कुछ आपने कवर किया, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, अनफॉरगेटेबल स्टोरी? तो मानसी मैंने आपसे कई स्टोरी की चर्चा की, उसमें से एक स्टोरी जो अनफॉरगेटेबल है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का सैमुअल स्मिथ, 2005 में मैं उनसे मिला था, डॉक्टर कलाम हमारे राष्ट्रपति के साथ में यात्रा पे था, और उनसे मैंने एक सवाल किया था, और वो सवाल आज भी गुदगुदाती है हमें और हमें काफ़ी आनंदित करती है, और मेरा दावा है कि आज वो जहाँ भी होंगे, आज इस स्टोरी को सुनेंगे तो यू विल बी फील हैप्पी। इनके फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दूंगा एक रेमिनिसेंसेस के लिए, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था बर्न में, जो कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, 2005 में, दोनों राष्ट्रपति के अपने अपने स्टेटमेंट्स थे। तो सैमुअल स्मिथ SMIDT ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि डॉक्टर कलाम इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही हैज रिटन द बुक इंडिया 2020, संजोग से हम 2020 में बात कर रहे हैं, दैट बुक वाज रिटन बाय 15 इयर्स बैक डॉक्टर कलाम, कि इंडिया का विजन कैसा होगा 2020 में, बुक का नाम है इंडिया 2020। वो बुक मैंने उनसे ऑटोग्राफ करके लिया था और मैंने पढ़ी उसको 2 बार जाने के पहले भी,
और फिर दो किताबें दोनों बिटिया के नाम से उन्होंने ऑटोग्राफ करके दिया था, आज भी हमारे लिए वैसे थे। तो हमने पूछा असेंबल स्पिरिट से, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो हमने कहा सर माय वन क्वेश्चन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, तो हमने कहा सर आपने यू हैव रिटन इन योर स्टेटमेंट यू हैव रीड द बुक, सो आई थिंक सर व्हिच पार्ट ऑफ बुक यू जस्ट लाइक मोस्ट। वो थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड ने मुस्कुराए, ऐसे देखा घूर करके, बोले यंग मैन आई हैव रीड द बुक एंड रियली आई हैव रीड द बुक बट पॉलिटिशियन नेवर टेल लाई। तो एक दोनों जो लाइन थी एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही थी, और उसके बाद वो ठहाका लगा वहां पे, सभी लोग हंसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। 3 दिन रहे हैं वहां। उसके बाद वो एक इंटरलाकिन के पास एक गांव है आइजलटवाट, छोटा सा गांव है, 48 बैंक्स, आबादी 400, पूरे डाटा मुझे याद है। तो वहां हम लोग का, वहां हर साल ग्लोबली 250-300 फिल्मों की शूटिंग होती है। वहां से हम लोग बोट से इंटरलाकिन गए थे, वहां भी हम लोग का एक मूवमेंट था। वहां वो फोटो स्पेशली सेवल स्मिथ साहब के साथ उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने हम सिर्फ आई वाज ओनली लकी पर्सन इन दैट टू हु टुक फोटोग्राफ्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। वो फोटो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उसके बाद शाम को जब बैंक्वेट होता है सम्मान में, तो जब पढ़ते हैं स्टेटमेंट दोनों पक्ष, दोनों देश के लोग जो होते हैं तो वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि सीधे जब एक दूसरे का वेलकम नोट पढ़ने के बाद, मिस्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम आई एश्योर यू आई हैव रियली रीड द बुक इंडिया 2020, और मेरी तरफ देखा उन्होंने कहाँ पे आई वाज स्टैंडिंग देयर, फिर लगी ठहाका। मतलब वो 3 दिन तक उनके दिमाग में इतना हॉन्ट किया कि ऐसा दुस्साहसी सवाल कोई कर सकता है, वो भी इंटरनेशनल फोरम पे। और उस दिन की खबर हमारी वही थी, रियली आई हैव रीड द बुक। पॉलिटिशियन, किसी ने हेडिंग लगाई पॉलिटिशियन नेवर टेल लाए, किसी ने लगाई आई हैव रियली रीड द बुक इंडिया 2020। तो ऐसे कुछ कई रेमिनिसेंसेस हैं, उनमें से मैंने आपको ये इसलिए जानबूझ के ये किया कि वो वाज द फाउंडर ऑफ द पार्टी, एंड रिसेंटली आई वाज जस्ट प्लानिंग, जब ये बोल रहे थे अपने शिव बोल रहे थे अपने जो ट्राइडेंट कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं कि सर हम इटली में करेंगे प्रोग्राम और COVID-19 के कारण नहीं हो पाए, फिर स्विट्जरलैंड की बात आई थी, तो हमने कहा आई ट्राई टू कनेक्ट यू, अभी होंगे तो मुझे ना मैं उनको भूल पा रहा हूँ ना मुझे भूल सकते हैं वो, चाहे जहाँ भी होंगे वो। So I'm thanks to you, salute to you. So nice of you. सर, इसी शो को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारा शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, सर आपके लिए सक्सेस क्या है, और आप इस सक्सेस को सोसाइटी के लिए कैसे आप इसको हेल्प करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी द सक्सेस व्हाट यू हैव अचीव्ड। मानसी, आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा, SUCCESS। SS जी। तो यदि SUCCESS को डिफाइन करें, सब कुछ समाज की सीमा है, लेकिन जो एस की संख्या ज्यादा है इस वर्ड में, SUCC 4 E 5 SS 7, 7 words 7 letter word है ये। इन 7 letters जो है, 7 समंदर, इंद्रधनुष के 7 रंग, यदि ऐसे देखें तो सफलता के 7 सूत्र, उसको ऐसे देखें, और हर सबकी एक अलग अलग डिफिनेशन है, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, फिर लंबी कहानी हो जाएगी, क्योंकि समय को भी देखना है और उसको डिफाइन भी करना है। तो जैसा कि ट्राइडेंट कम्युनिकेशन जो धन्यवाद का पात्र है कि एक नया आइडिया लेकर के हम लोगों के सामने में आया है, और आप हम बात कर रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ टर्म, दैट टर्म सेटिस्फाई योरसेल्फ एंड अदर्स बोथ इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, एनी टर्म्स ऑफ स्टोरी। जो ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर करे, आनंदित करे, और एक उस नई राह पे चलने के लिए उत्प्रेरित करे, दैट इज कॉल्ड सक्सेस इन माय व्यू। आप ये नहीं कि आपने इतना पैसा कमाना था और पैसा कमा लिया, या उसको मारना था तो उसको आपने वहां भिजवा दिया, ऊपर भिजवा दिया, या नॉट लाइक दैट। सक्सेस मीन्स जिससे कि आप
का भला हो रहा है कुछ पॉजिटिव फॉर्म में, साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी भला हो रहा है। आप भला तो जग भला, ये बहुत बड़ी कहावत है। तो सक्सेस वो है जो कि दूसरे को इंस्पायर करे। सफलता वो चीज है जो, सफलता के भी अलग, जैसे मैंने सक्सेस बताया उसके भी बड़े अच्छे मायने हैं। सफलता की सौ फॉल लॉ तो आकार हिंदी के शब्द हैं, सफलता की भी अलग विश्लेषण है। यदि हम करेंगे तो 15-20 मिनट लग जाएंगे आपके, फिर कभी हम अलग से आपको बताएंगे कि सफलता का मतलब किन किन शब्दों का समावेश है सफलता या सफल होना, जिस तरह सक्सेस को डिफाइन हम कर सकते हैं। और आपने बहुत ही अच्छी बात समझाई सक्सेस के बारे में कि जो हम सक्सेस पाते हैं वो खुद के लिए भी, खुद भी खुश रहें और सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाए, उसी में वो ही ट्रू सक्सेस है। सो दैट इज अ वेरी गुड थॉट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एंड सर इसी बात को मुझे बताइए कि आप यूथ है, जो आज हमारा यूथ है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो किस दिशा में जा रहा है, और व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द यूथ टुडे? देखिए जो हमारा यूथ है, जो युवा है, मेरा मानना, मैं तो थोड़ा सा डिफर करता हूँ उस यूथ के डिफिनेशन से। युवाओं को उम्र के परिभाषा में नहीं आका जाना चाहिए। यूथ शुड नॉट बी मेजर्ड बाय द एज, बाय द थॉट्स। यदि आपके थॉट्स, आपके थॉट्स जो हैं एनर्जेटिक हैं जी, यदि आपके थॉट्स जो है इंस्पायरेशनल है तो यू आर यूथ। यदि आपके थॉट्स प्रोवोकिंग है, वट एवर योर एज ऑफ एनी, यू आर यूथ। दैट डज मीन कि मैं अपने को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं है। जी जी, यूथ जो है कि विचारों से होना बहुत जरूरी है। और मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है, चिंता भी है, चिंतन की जरूरत है कि जो यूथ है वो अभी दिशाहीन सा महसूस कर रहा है। उनके सामने में एक ठोस, एक सही आदर्श का अभाव वो दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आदर्श हो सकते हैं हमारे यूथ के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसी भी यूथ के लिए आदर्श नहीं हो सकते। जो मैं अभी जो कह रहा था पहले, जो मैंने यूथ को डिफाइन किया, अरे उस परिप्रेक्ष्य में आप जोर के देखें तो आपको बात पूरी सच्ची सी लगेगी, पूरी व्यवहारिक लगेगी। जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ पक्ष ऐसा व्यवहार का है। तो यूथ जो है, यूथ को सही दिशा की जरूरत है। हमारे देश के यूथ और विश्व के ऊर्जावान हैं, अच्छी सोच वाले हैं, हमसे जो भी एक एज के लोग हैं उनसे कुछ आगे की सोचते हैं, लेकिन उनको जो एक दिशा चाहिए, जो उनको एक मदद चाहिए, जो उनको एक समर्थन चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभाव है, मिल नहीं पा रहा है, उसकी जरूरत है। लेकिन हमारे यूथ में ऊर्जा है, उसमें एक सोच है देश के प्रति, समाज के प्रति, और वो जिम्मेवार थे, जिम्मेवार हैं और जिम्मेवार रहेंगे, बशर्ते हमारी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था भी उनको उसी हिसाब से, उनके हिसाब से उनको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे जर्नलिज्म से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन था जो आई एम श्योर जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। सर कौन सी ऐसे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं भारत में या अब्रॉड जो आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी गुड फॉर पीपल टू गेट इनटू जर्नलिज्म इफ दे वांट टू परस्यू दिस फील्ड? Mansi, whatever you're talking about the journalism institute and university, if you think 90s and 2000 year wise, so after 2000 jo cheeze kafi parivartit hui pichle 20 varshon mein, 1990 se leke 2000 tak mein ek wo period tha jo jisse ki wo cheeze badh rahi thi, lekin after 2000 se वो चीजें काफी एक्सेप्टेबल भी समाज में, और लोगों ने इसे एक प्रोफेशन के रूप में चुनने की जी शुरुआत की पिछले 20 वर्षों में। और उसके बाद धीरे धीरे 2010 के बाद वो चीजें पीक पे गई, और आज
इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने कॉलेजेस हैं, हर एक मीडिया जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं या टीवी का हाउसेस हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन टू रन. तो लेकिन मुझे कहते हुए कष्ट है, मुझे चिंता और चिंतन की बात भी है कि ज्यादातर मीडिया संस्थान दुकान बन गए. इसलिए आपको, और लेकिन जैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है भोपाल में, या कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, तो कुछ ऐसे मानक संस्थान हैं जिनकी अपनी मान्यता है. मैं नाम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की बात करूं या न्यूकैसल यूके की बात करूं या बर्कली की, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं. मैं जान रहा हूं कि वैसे संस्थान में लोगों को जाना चाहिए जो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वन ऑफ द रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन उन्हीं की तरह आप दिल्ली में देखेंगे करीब 100 संस्थान है मीडिया के. जी आजकल तो हर जगह अब बैठे कुछ लोग, उन्होंने अब उसमें ठेकेदारी. मैं कई इंस्टीट्यूट्स में जाना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया कि मैं सच बोलता था कि भाई, उन्होंने कहा कि नहीं सर आप बोलिए कि यहाँ से पढ़ने के बाद सीधे उनको आज तक के हमारे अंजना कर दीजिए, एडवर्टाइजिंग कर दीजिए, आज तक की जो अंजना श्वेता को भी क्रश करके उनको सीट टेक ओवर कर लेंगे. अरे उन दोनों संघर्ष किया भाई, जो भी आज सफल एंकर है उनके पीछे संघर्ष की गाथा है. जितने का नाम लीजिए मैं बताता हूँ, कुछ मित्र के लोग हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं, मोस्टली जूनियर्स हैं, उन्होंने संघर्ष किया है. बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता. हमारे यूथ जो हैं, खास करके जो मीडिया के स्टूडेंट हैं, मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है. अरे मैं जाता हूँ किसी क्लास में, मैं इस चीज को मैं हर जोर के साथ में करना चाहता हूँ मानसी, कि लोगों को पढ़ने से मतलब ही नहीं रह गया. पहली बात, वो पढ़ना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, और सबको रिपोर्टिंग करना है. पत्रकारिता की विधा है, रिपोर्टिंग अलग है, डेस्क अलग है, प्रिंट की बात करें तो एडिटिंग अलग है, रिपोर्टिंग अलग है, दो मेजर डिपार्टमेंट है. अच्छा। कोऑर्डिनेशन अलग है. टीवी में क्या है, टीवी में क्या है, एंकर है, रिपोर्टर है, डेस्क है, कोऑर्डिनेशन है. मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ये अपने आप में मैं ऑनलाइन भी करीब उसी तरह की चीजें हैं, रेडियो इस तरह जितनी मीडिया की विधाएं हैं, पत्रकारिता के विभिन्न जो आयाम हैं उसमें भी आप देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी नए आते हैं उनके सामने में एक स्वप्न होना चाहिए कि मैं आदर्श पत्रकार बने. आदर्श का मतलब कौन, राजदीप जैसा दलाल, बरखादर जैसी महिला, सॉरी मैं अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इतना मैं संसदीय परिभाषा में बोल रहा हूँ. आदर्श मतलब क्या, जो लोग काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं, आदर्श का मतलब हो सकता है उसका आनंद सहाय जी हो, राम बहादुर राय जी हो, वो आदर्श हैं, लेकिन उनको बताने वाले कौन है? क्योंकि यदि उनको बता देंगे तो लोग उनके पास जाएंगे ना, उनकी दुकान बंद हो जाएगी. या अच्युतानंद मिश्र की बात करेंगे, संस्थान है उन्होंने, तो दुकानें बंद हो जाएगी उनकी. मैं बोल रहा हूं हमारे सब गुरु हैं, सब मेरे आदरणीय हैं, कि उन लोगों ने कुछ ना कुछ सिखाया था, हम यहाँ पे हैं. मुझे किसी को क्रेडिट देने में कोई कुरेस नहीं, कोई शर्म नहीं. आजकल के लोग जो 10 साल 12 साल 15 साल में आए, उन्होंने पत्रकारिता की सीमा के तमाम जो आदर्श थे, जो तमाम वर्जनाएं थी, जो तमाम नॉट टू डू था, सबको क्रॉस कर गए. क्या चाहते हो आप भाई? पत्रकारिता थी, भले लोग नेहरू को कोसे, आज चेलापति राव की पत्रकारिता थी, जिस अखबार के मालिक नेशनल हेराल्ड के संपादक थे एम चेलापति राव जी, और उसका मालिक पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कहने में पंडित तो नहीं थे, खैर जवाहरलाल नेहरू की बात करो, क्योंकि कर्म से पंडित नहीं थे नेहरू जी, इसलिए मैं उस चीज को मैं करेक्ट कर रहा हूँ. तो जिस अखबार का उन्होंने कहा कि भाई लंबी कथा है, वो इलाहाबाद में भाषण दे के आए, और यहाँ हेराल्ड हाउस है अभी भी, विवादित है अभी बहादुर शाह जफर के बारे में, कि भाई ऐसा ऐसा है राव साहब, हम गए थे, तो बोले ठीक है आपने जो बोला है हमको लिख के दे दो. तो उन्होंने लिख के दे दिया एक पेज पे. तो दूसरे दिन नेहरू जी अखबार पलट रहे हैं, अखबार बहुत बड़ी चीज थी, उनका भाषण नहीं, फ्रंट पेज पे ढूंढ रहे हैं, तो संपादक कहते हैं 3 नंबर पेज पे छपा है, टॉप पे देख लेना, एक छोटी सी कॉलम. आज की तारीख मतलब अखबार के मालिक की खबर, प्रधानमंत्री है देश का, उसकी खबर पेज नंबर 3 पे, वो भी
हाफ एडिटेड, हाउ इज पॉसिबल? आज की तारीख में कोई संपादक बता दे किसी की हिम्मत है क्या? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के पास या उनके नेताओं के पास, बड़े बड़े चैनल के जो मालिक हैं अपनी पूरी टीम के साथ बैठे पार्टी में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हो? कोई किसी की, पत्रकार की, किसी रिपोर्टर की हिम्मत होगी उस नेता के खिलाफ लिखने की या चलाने की खबर, जब मालिक अपने पूरे कुनबे के साथ बैठा वहां पे? ये फर्क आया है, संपादक जो है मैनेजर हो चुके हैं, है नहीं? मैं अपने राकेश जी, मुझे आपके बारे में थोड़ा सा जानने में इंटरेस्ट था कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं और दिन भर आप कैसे अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं? हाउ डू यू यू नो वर्क? यू हैव सो मेनी चैनल्स, सो मेनी न्यूज़पेपर्स यू आर वर्किंग फॉर, एंड आप कैसे, हाउ डू यू मैनेज योर डे? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? नहीं, आप तो मुझे ऐसे लगते ऐसे बड़ा बता रहे, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। आपने मुझे एक सफलता के उस सूत्र के तहत एक पात्र के रूप में चुना, मुझे इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने ट्राइडेंट कम्युनिकेशन के शिव मानसी का, आप लोग जो भी लोग हैं, उन्होंने मुझे उस कार्य के लिए चुना जिससे मैं कुछ अपने अनुभवों को शेयर कर सकूँ। उन अनुभवों से हमारे आने वाली पीढ़ी को या हमारे दोस्तों को या हमारे परिचितों को कुछ लाभ मिल सके, वो कुछ सीख सके, जो मैंने झेला है अगला वो ना झेले। लेकिन ये जो रूटीन का जो मसला है, आप सवाल है, ये पत्रकारों का कोई समय नहीं होता, ना सोने का, ना खाने का, और मेरे परिवार के बड़ा मुश्किल एक प्रोफेशन भी है। मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग, बच्चे सब इम्यून हो चुके हैं कि पापा का समय नहीं होता कुछ, कब सोना है कब उठना है। हाँ, कोशिश इधर से करने लगा हूँ कि 6-7 घंटे सो जाऊं, लेकिन मैं यदि बोलूं कि मैं बाबूशाही की तरह या किसी राजनेता की तरह कि मैं 6 बजे उठता हूं, 8 बजे नाश्ता करता हूं और 10 बजे ऑफिस चला जाता हूं, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी काम करने वाले लोग हैं, कब उठे कि 12 बजे उठ करके आपने लैपटॉप पे कुछ चीजें फीड करनी है, किसी रेडियो स्टेशन का फोन आ गया तो आपको फोन उठाना है, किसी टीवी के लिए भाषण देना है, आजकल तो स्काइप हो गया है तो वो करना है। तो आई थिंक कि वो, आप कोई भी यदि पत्रकार बोलता है कि मेरा कोई सेट रूटीन है, तो मैं कहता हूँ झूठ बोलता है। वो जो संपादक है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सर पे एक चैनल का भार है, जो भी सीईओ है या अखबार का भी संपादक है या जो भी है, वो उसके सामने में ऐसी जिम्मेदारी है मानसी कि हर पल आपको, जबकि आज की तारीख में मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हो गए, मिलियंस, 15 years back 23 करोड़ थे, 10 times हो गए, I don't know, figure देख लेंगे अभी, आप गूगल पे पता कर सकते हो। जो भी लोग हैं वो उस तरह से काम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स हैं भारत में लाखों की संख्या में, वीकली और डेली रजिस्टर्ड हैं, वो सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 1967 चैनल रजिस्टर्ड थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, 2 साल पहले, सोचिए 350 रनिंग में है, एक चैनल के लिए मिनिमम 100 स्टाफ, कितने लोग एंगेज हो गए। लेकिन ह्यूज इंडस्ट्री, जो है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, अरे उस पे फिर वो एंटरटेनमेंट अलग आ गया है, मीडिया एंटरटेनमेंट वो और प्रसार हुआ है, कंपटीशन बढ़ी उसी हिसाब से। तो इस पे कोई कभी बोले रूटीन की बात, आई डिसएग्री टोटली, और आई कैन चैलेंज देम कि यदि आपका कोई रूटीन है, वी आर नॉट लाइक द बाबू लाइक, वी आर नॉट अ नेता लाइक, हम तो वास्तव में कर्मण्येव वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम उसी को खाते पीते सोते ओढ़ते, कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। और उसको कर्म करके चिंता नहीं करना, मैं लोगों को बताता था, अपने रिपोर्टर्स को बताता था, सर वो रिपोर्ट फाइल की उसमें इतनी एडिट हो गई, तो फाइल कर दी ना, वो दिख गई रिपोर्ट, टीवी की बात दिखी ना, हाँ सर वो मेरी 3 मिनट की थी, 1 मिनट समथिंग दिखी, तो एडिटर कौन है, कौन था, पूरा कहानी पूछा उससे, वो रिपोर्ट परेशान हो गई, सर मैंने इतनी मेहनत की थी, 10 घंटे की शूट की थी, 2 मिनट की लगी, लग गई ना हमारी रिपोर्ट, मैं बताऊं साल में 2 बाईलाइन छप जाती थी ना, बड़ी बात होती थी। बोले अच्छा, उस पर बच्चे सर आपका जवाना लगता नया जवाना, व्हाट डज मीन नया जवाना, कहना क्या चाहते हो भाई,
किसी की मान लिया अभी माधव कांत मिश्र का देहावसान हुआ, कोरोना से संजोग से गए, और एक अखबार में हमारे संपादक थे, उस अखबार का नाम मैं नहीं लेना चाहता, बाईलाइन जो बोलते हैं, नाम जो छपता है अखबारों में, हाँ। नाम से जो स्टोरी छपता है उसको बाईलाइन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में जी। तो सवाल रहा था कि माधव कांत मिश्र जी, तो उन्होंने क्या हुआ कि मैं अखबार में था, चीफ न्यूज कोऑर्डिनेटर था और सारी स्टोरी में देखता था, तो डेली मीटिंग होती थी, तो एक रिपोर्ट ने कहा सर मेरी बायलाइन नहीं छपी, तो उन्होंने पॉकेट से बायलाइन निकाला, बोला ये है तुम्हारी बायलाइन, मतलब अखबार छप के आ गया है। बोलो वहां से क्या मतलब है? तो बोले क्या एक्चुअली कल बिजली चली गई थी तो नाम तुम्हारे चिपकाना भूल गया, वो संजोग से मेरे पॉकेट में रह गई और पेज निकालना था टाइम पे, पेज छोड़ना था रात के 12 बजे 2 बजे, सिटी एडिशन छोड़ता था अखबारों में, ये बता रहा हूँ आपको 94-95 की बात। तो चला गया, तो वो लोग हंसने लगे कि सर बायलाइन तो अखबार में चिपकनी थी, प्रिंट होकर निकला, आपकी पॉकेट में कैसे आया? तो वो अपने आप में एक हंसी की बात बनी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात बाद में उन्होंने बताया था कि वो उस स्टोरी उस लायक थी नहीं, लगता है कि आपने कुछ जबरदस्ती में नाम दे दिया था, मैंने जानबूझ उतार ली थी, मैंने उसको अलग टर्न दे दिया। आई मीन टू से कि उसकी इम्पोर्टेंस होती है, नाम यश के पीछे कौन नहीं जाता, हर व्यक्ति को चाहिए यश मान प्यार सम्मान, यश मान प्यार पैसा जो है ये सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए राजी जी आप ट्राइडेंट से कैसे मिले, आपका एसोसिएशन कैसे शुरू हुआ ट्राइडेंट के साथ, इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? अब देखो ट्राइडेंट का तो मतलब त्रिशूल होता है, है ना, और त्रिशूल के जो संभाग है और जो त्रिशूल को जो कैरी करे स्वाभाविक शिव भक्त होगा। संजोग से जो ट्राइडेंट के वन ऑफ द डायरेक्टर उनका नाम भी शिव है, तो शिव भक्त, शिव भक्त होना और त्रिशूल के साथ, और साथ साथ में उनकी जो पार्वती हैं मिसेस नवीन, मैं मिसेस नवीन इसलिए बोलता हूँ लोग फिर नवीन ना समझ लें, फिर अमेरिका ना चला जाएं, तो मैं इसलिए उसको मिसेस नवीन बोलता हूँ। तो ये दोनों की जो जुगल जोड़ी है, ये दोनों मुझे लंदन में मिले थे पिछले साल। अच्छा। और हाँ, तो 2019 की बात है, एक कार्यक्रम के तहत मिले थे और पता नहीं क्यों अच्छे लगे। हाँ, इनके बारे में जो इनके जो तथाकथित जो दोस्त थे उन्होंने बड़ी निगेटिव बात कही। मेरे साथ क्या है मानस, व्हाट यू हैव इंटरेक्टेड टू ईच अदर, जो तुमसे मेरी बात हुई, जो आपसे मेरी समझ में आई, तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने इंट्यूशन पे जाता हूँ, अपनी सोच पे जाता हूँ, कौन क्या किसके बारे में बोलता है मैं नहीं मानता। इस मामले में मैं अपनी जो स्पिरिचुअल मेरी थिंकिंग है और जो मेरी सोच है, जो मैं माता रानी का भक्त हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद जो है मैं हर समय धारण करने की कोशिश करता हूँ, जो आप टीका देख रहे हैं, जो चंदन है, जो तिलक है, ये माता का आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ होता है। आपके जो माथे पे जो बिंदी है वो आपके आध्यात्मिक शक्ति और आपके पति और आपके सुहागत होने का परिचय देती है, जो महिलाएं लगाती हैं सामान तो, लेकिन पुरुष लगाए उसका क्या मतलब, तो वो हमारे लिए मातृशक्ति का आशीर्वाद है। तो वो मुझे, मैं बार बार कोशिश करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, माता से, कि मुझसे कोई ऐसा काम मत करवाना जिससे किसी को कष्ट हो, या मेरे कारण किसी को कष्ट, मैं बच्चों को बताता हूँ, सब बताता हूँ, ऐसा काम मत करो जिससे किसी को कष्ट हो, और कोशिश करो जितना हो सके किसी का नुकसान ना, अपने से नुकसान ना कर सको, यही जिंदगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये दोनों जो है, ये दोनों से को मेरी शुभकामना है, इस सक्सेस स्टोरी के लिए भी, ट्रेडिंग कम्युनिकेशन को, कि एक जो जो मेरी सोच है, हर एक आदमी अपनी सोच बताएगा, एक जो सही रास्ते के भी और सही रास्ते पे चल के भी बिलियनर बना जा सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। किसी ने कहा था कि पैसे का कलर लाल होता है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं डिसएग्री करता हूं। यू मीन, व्हाट डू मीन बाय रेड? रेड मींस द ब्लड। गलत काम, गलत तरीके, कलर ऑफ मनी इज अ रेड। आई नेवर एग्री विद दैट द वर्ड एंड द कोटेशन। Wherever I read, I'm not going to quote that writer, but I'm telling you, कि सही रास्ते, सही लोग,
सही कड़ी के साथ और सही संयोजन आप ऊंचाइयां छू सकते हैं, आप बिल्कुल छू सकते हैं। और इसलिए इन दोनों से मेरी मतलब दोनों को शुभकामना भी है, एक बड़े होने के नाते मैं उसमें आशीर्वाद भी बोल सकता हूँ, साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद बोल सकता हूँ, आपके लिए भी बोल सकता हूँ, बोलता हूँ कि उसी रास्ते पर चलो। और फिर अच्छाइयों के भी बड़े पावर है साहब, बड़ी शक्ति है उसमें भी, अच्छे कर्म में और पैसे भी है, पावर भी, शक्ति, जिसके लिए लोग पागल होते। तो मेरी शुभकामनाएं आपको भी, ट्राइडेंट कम्युनिकेशन को भी, और आपने मुझे सक्सेस स्टोरी के लिए इसमें चुना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ टॉक शो। आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, आपने अपनी स्टोरी सुनाई, आपके एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम श्योर माय ऑडियंस हैज एंजॉयड इट। और बहुत बहुत थैंक यू कि आप आज हमारे साथ इस शो पर आए। मानसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ट्राइडेंट कम्युनिकेशन का बहुत बहुत आभार, और ट्राइडेंट कम्युनिकेशन के जो पुरोधा हैं शिव और नवीन, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं, और साथ साथ आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपनी कुछ बात को आम लोगों तक, सभी लोगों तक शेयर करने का मौका दिया। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, नए रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी एक तमन्ना है कि भारत में और विश्व में, भारत में पहले कर लूँ, कि भारत में जो पत्रकारिता है उसको आप जैसे पॉजिटिव लोगों के सहयोग से रीडिफाइन कर सकूं, जिससे कि जो आपने सवाल किया था कि पत्रकारिता में जो बुराइयां आई हैं और उसमें जो एक उनको एक सीमा मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है कहीं कहीं, उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूं, इसी मनोकामना आकांक्षा, इसी लक्ष्य के साथ मैं सब। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं, जिस तरह भी हमारा, हम आपके साथ रह सके, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर dreams and the journey ahead, and thank you thank you so much for coming today. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.